Hello everyone, I am Deepak Malviya from Sage Group and today's topic जो है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैंने आपको लास्ट एक एक्सपेरिमेंट बताया था जो कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का था। उस मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो होता है उसका जो अपैरेटस होता है और उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो किस तरीके से किया जाता है वो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक डायल इंडिकेटर यूज किया था जिसको हम डायल गेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली उसकी जो रीडिंग हम लोग लेते हैं उसको किस तरीके से लिया जाता है या डायल इंडिकेटर को किस तरीके से रीड किया जाता है या उसका सेटअप कैसे किया जाता है आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। और वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टॉस से रिलेटेड मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो डायल इंडिकेटर आपको सेट करना भी आना चाहिए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सेट करना है। और प्लस उसको रीड करना भी आना चाहिए कि बेसिकली हम उसको रीड कैसे करें चाहे वो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करें। तो इसीलिए आप मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो डायल इंडिकेटर को किस तरीके से रीड करते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो जब डायल इंडिकेटर आप सेट करोगे तो आपके पास बेसिकली ये तीन पार्ट में आपको मिलेगा, तीन डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स के अंदर आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैग्नेटिक बेस कहलाता है। मैग्नेटिक बेस का मतलब ये होता है कि जहां पे हमको सेटअप करना है तो वहां सेट करने के लिए हम इस बेस को रखते हैं। और इसमें ये मैग्नेटिक बेस इसलिए होता है क्योंकि नीचे इसमें मैग्नेट होती है तो जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं और हम चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए यहां से मूव ना करें तो हम इसको यहां से ऐसे लॉक कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है मूव करना बंद कर जाता है, ये फिक्स हो जाता है। तो ये आपका जो होता है वो मैग्नेटिक बेस होता है। प्लस इसके साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको एक इस टाइप का कनेक्टर टाइप का मिलेगा जो कि आप क्या करेंगे सबसे पहले आपको इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे तो यहां पे ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये इसके अंदर जाएगा। इसको थोड़ा पहले लूज कर लिया जाए, ये अंदर जाएगा और यहां से आप इसको इस तरीके से टाइट कर देते हैं। ये आपने टाइट कर दिया तो ये इसके साथ आपका सेट हो जाएगा। ये दो डिफरेंट पार्ट में आएगा जिसको आपको कनेक्ट करके एक सिंगल बॉडी बनाना है, सिंगल पार्ट बनाना है। ये बनाने के बाद उसके बाद आपके पास ये बोल्ट होता है और उसके बाद ये जो है ये डायल इंडिकेटर कहता था। तो ये डायल इंडिकेटर को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है जिसके लिए आपके यहाँ बैक साइड में ये आपको कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है जिसको आप यहाँ पे जो नट दिख रहा हुआ है यहाँ पे इसमें इस तरीके से आप इसको फिक्स कर देते हैं। या अगर आपको उल्टा करना है तो आप इस तरीके से इसमें फिक्स कर देते हैं और ये जो आपके पास बोल्ट है इसको इस तरीके से इसमें से टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इसको सेटअप करना पड़ता है। अब सेटअप करने से पहले मैं आपको ये डायल इंडिकेटर की रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से क्या क्या बोला जाता है तो उसके लिए मैंने एक इमेज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा तो आप उसको रीड कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता देता हूं कि यहां पे ये जो पॉइंटर होता है ये आप देख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव है, इसी से हमको टच करके रीडिंग लेनी रहती है। तो जैसे हम इसको जरा सा भी टच करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं और ये जो है वो आपकी बेसिकली मूव करने लगती है। और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो अंदर जाने के लिए आपके पास यहां पे दो स्केल दिए हैं, एक ये बड़ा वाला दिया हुआ है जिसमें ये पॉइंट आपका काम करता है और उसके नीचे एक ये छोटा वाला दिया हुआ है। तो ये जो बड़ा वाला इंडिकेटर है या जो मेजरमेंट के लिए आपके पास है इसमें आप जो पॉइंट दिख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि आपकी ये छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं। इसमें टोटल आप इसको शुरू करोगे तो 0 से फिर 10 है, 10 से फिर 20 है, तो इसका मतलब 0 से 10 के बीच में ये जो छोटी लाइन बनी हुई है डिवाइड जो किया हुआ है लाइन से वो 10 लाइन है। और ऐसे 10 करके वापस तक घूम के 0 तक आओगे तो वो कितनी है, वो 100 है। और जो 0 से लेके 1 लाइन के बीच में मतलब 0 से लेके 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है 0.01 mm के बराबर। कितनी होती है वो डिस्टेंस, 0.01 mm के बराबर, कहां से कहां तक जिसे जीरो है उसके बाद ये एक जो लाइन बनी हुई। तो ये छोटा सा जो डिस्टेंस है आपका दो लाइनों के बीच में वो 0.01 mm के बराबर है। जब स्केल यहां से चलना आपका शुरू होगा, ये पॉइंटर यहां से शुरू होगा और यहां से घूम के वापस से जीरो पे आएगा, इसका मतलब वो कितना चला, तो बेसिकली वो 1 mm चला। तो एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.01 mm, फिर 0 से 10 आ जाओगे तो कितने आप आ गए, 0.1 mm, और उसके बाद जब पूरा घूम के आप एक रोटेशन ले लोगे तो टोटल आप कितना घूमे, टोटल 1 mm घूमे। इसका मतलब मैं 0 से शुरू करके वापस रोटेट करके 0 पे आता हूं तो एक जो रेवोल्यूशन होगा मेरा वो 1 mm के बराबर होगा, क्लियर। और इसी तरीके से जब हम स्मॉल स्केल पे जाते हैं तो स्मॉल स्केल में भी जैसे 0 से लेके 1 के बीच में यहां पे सिर्फ ऐसे 10 पॉइंट दिए हुए,
तो 0 से 1 के बीच में ये कांटा आपका जो है छोटा वाला, जब 0 से लेके 1 के बीच में मूव करेगा तो 0 से 1 के बीच में ये कितना करता है, ये पूरा 1 mm का फ्लूइड करता है। इसका मतलब ये जब बड़ा वाला कांटा पूरा रिवॉल्यूशन लेगा तो 1 mm होगा, लेकिन छोटा वाला सिर्फ 0 से 1 पे जाएगा तो 1 mm का फ्लूइड हो जाएगा। फिर अगर ये वाला दूसरा रिवॉल्यूशन लेगा तो ये क्या करेगा, 0 से पहले 1 पे चला गया था, 1 से 2 पे चला जाएगा, मतलब आप समझ जाइए 2 mm अपने कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वर्क वन वाले पहला बड़ा वाला जो आपका स्केल है, अगर ये बार बार घूमेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने एमएम आपने कंप्लीट कर लिया। एक बार घूमेगा तो आप काउंट कर लोगे, लेकिन दोबारा फिर घूम गया, फिर 3 बार घूम गया तो नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए फिर आपको उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे ये एक बार घूम के आएगा तो ये 0 से 1 पे चला जाएगा, दूसरी बार घूमा तो ये 2 पे चला जाएगा, तीसरी बार घूमा तो ये 3 पे चला जाएगा, दैट मीन की 3 mm आपकी रीडिंग है। तो इस तरीके से हम रीडिंग यहाँ पे मेजर करते हैं। और एक और बात आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको सेट करते हैं तो सेट जब आपको करना है तो सेट करने के लिए ये बड़ा वाला जो आपका पॉइंट है बड़ा वाले स्केल का, इसको भी आपको 0 पे रखना है, और ये छोटा वाला जो है इसको भी आपको 0 पे रखना है, और इसको मैनेज करने के लिए ये यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है ये इस तरीके से मूव करता है। तो इस तरीके से आपने ये 0 सेट कर दिया, ये यहाँ पे 0 सेट हो गया, इस तरीके से ऑटोमेटिकली छोटा वाला भी 0 सेट हो गया। उसके बाद आप इसको इस तरीके से सेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे है, इसको मेरे को टाइट करना है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। टाइप कर दिया, 0 पे सेट कर दिया, उसके बाद मैं ले जाके जहां पे मुझे मेजरमेंट लेना है वहां पे मैं इसको सेट करूंगा, और ये पॉइंट है जहां पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए या मैं स्लोप मेजर कर रहा हूं वहां पे इसको टच करके दूंगा। तो जैसे ही लोड आएगा तो जैसे ये वाला पॉइंट डिफ्लेक्ट होगा या स्लोप आएगा तो ये दबेगा, जब दबेगा तो ये पॉइंटर दबेगा तो यहां पे रीडिंग आना आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से डायल इंडिकेटर, मतलब इसको बोलते हैं डायल इंडिकेटर, ये क्या होता है मैग्नेटिक बेस, और ये दोनों के बीच जब कनेक्टर होता है, इस तरीके से इसको मैनेज करना है, इस तरीके से उसको प्लेस करना है, सेटअप करना है, और उस तरीके से रीडिंग लेना है। याद रखिएगा बड़ा जो स्केल है उसमें जो 2 लाइन है छोटी छोटी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.01 mm के बराबर है। जब वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है बड़ा वाला स्केल तो 1 mm होता है, और छोटा वाला जो स्केल है उसमें 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट जब आप पूरा रूम करेंगे तो वो 1 mm। तो इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, और हर जगह जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और डायल इंडिकेटर का आप यूज करेंगे या डायल गेज का आप यूज करेंगे तो आपको ये सेटअप आना चाहिए, आपको ये जो रीडिंग है वो लेना आना चाहिए। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर मैं कुछ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें आपसे करूंगा और डिस्कशन करूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।